हे गाइस, टाइगर यार मैं आ चुका हूँ एक और गाइड वीडियो लेके। और ये गाइड वीडियो होने वाली है जांगली याओ पे, जो कि एक इलेक्ट्रो डीपीएस है और वो तुम्हें मिलने वाला है फॉर फ्री बाय डूइंग दिस इवेंट। ओके, तो मैं ये इवेंट करना होगा। इस इवेंट में जाकर तुम्हें 6000 पॉइंट्स करने होंगे, तब जाकर तुम यहाँ से जांगली याओ को क्लेम कर सकते हो। और 7 सितंबर को आएगा, आई मीन जब तक ये आएगा तब तक शायद मेरा वीडियो अपलोड हो चुका होगा, आई गेस गाइड वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में तो मैं इसकी किट एक्सप्लेन करूंगा और पूरे बिल्ड के बारे में बताऊंगा। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, किट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके बेसिक अटैक। बेसिक अटैक 5 हिट का बेसिक अटैक कॉम्बो, इसका ये यूजलेस है, तुम इसे मेजोरिटी ऑफ टाइम नहीं यूज करोगे। रेजोनेंस स्किल की बात करूँ तो ये भी बस डैमेज देता है सिंपली, ये भी तुम मेजोरिटी ऑफ टाइम नहीं यूज करोगे। इंट्रो स्किल ये डैमेज देता है, ये तो तुम नॉर्मल है, ये तो तुम यूज करोगे करोगे मेजोरिटी ऑफ टाइम। ठीक है, जब भी इंट्रो करके फील्ड पे आओगे। इसका मेन किट शुरू होता है इसके रेजोनेंस लिब्रेशन एंड फोर्टे से, तो अब सबसे पहले बात करूंगा इसके रेजोनेंस लिब्रेशन की। ऑलराइट, जांगलिया जो अपनी अल्टीमेट यूज करेगा तो वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में चला जाएगा इंटीट्यूएशन, और इस अल्टीमेट फॉर्म में जांगलिया को 3 हाइपर क्यूब्स मिलेंगे। ठीक है, और वो 1 हाइपर क्यूब कंज्यूम करेगा जब भी वो अपनी इनहेंस रेजोनेंस के लिए यूज करेगा लॉज ऑफ रेन। लेट मी रिमाइंड यू, लॉज ऑफ रेन जो है वो उसके फोर्टे से टाइड अप है, ना कि उसके रेजोनेंस स्किल से। ठीक है, और जैसे ही जांगलिया 3 हाइपर क्यूब्स कंज्यूम कर लेगा उसकी अल्टीमेट फॉर्म एंड हो जाएगी। अदरवाइज उसके अल्टीमेट का जो फॉर्म का जो ड्यूरेशन है वो 24 सेकंड का है। ओके, और जांगलिया के अल्टीमेट फॉर्म में उसका जो बेसिक अटैक और हैवी अटैक होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बेसिक अटैक पिवट इंपेल से, जो कि एक 3 हिट का बेसिक अटैक कॉम्बो है। और इसका जो रेजोनेंस स्किल डिडक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेजोनेंस स्किल डाइवर्जेंस में, और जो इसका डॉज काउंटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉज काउंटर अनफैदम में। और बेसिक अटैक जो होगे अल्टीमेट फॉर्म के वो बेसिक अटैक डैमेज ही कंसीडर होंगे। ठीक है, और रेजोनेंस स्किल डाइवर्जेंस जो है वो रेजोनेंस स्किल डैमेज कंसीडर होगा, और जो डॉज काउंटर है वो रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज काउंट होगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके फोर्टे की। ऑलराइट, जांगलिया का जो फोर्टे है उसमें काफी चीजों के बारे में बताया गया, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ रेजोनेंस स्किल डिसाइफर के साथ। जांगलिया का जब फोर्टे फुल हो जाता है तो उसका रेजोनेंस स्किल कन्वर्ट हो जाता है रेजोनेंस स्किल डिसाइफर में, और ये जो डैमेज है ये कंसिडर होता है रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज। लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ये रेजोनेंस स्किल डिसाइफर नहीं यूज करोगे, क्योंकि तुम जांगलिया से जितनी देर भी फील्ड पर रहोगे तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम उसके अल्टीमेट फॉर्म में ही रहो। ठीक है, आउटसाइड ऑफ अल्टीमेट जांगलिया के पास उतना डैमेज नहीं है। ठीक है, तो ये आउटसाइड ऑफ अल्टीमेट ही यूज होता है रेजोनेंस स्किल डिसाइफर, और वो तुम नहीं रहने वाले, सो ये प्रीटी मच यूजलेस है। अब मैं बात करूंगा रेजोनेंस स्किल लॉज ऑफ रेन। जांगलिया जब अपने अल्टीमेट फॉर्म में होता है तब उसका जो फोर्टे बार होता है वो कन्वर्ट हो जाता है परफॉर्मेंस कैपेसिटी में, जिसके 5 स्टैक तुम्हें चाहिए होते हैं। और जैसे ही तुम इसके 5 स्टैक मैक्स कर लेते हो तो जांगलिया का जो रेजोनेंस स्किल है डाइवर्जेंस वो कन्वर्ट हो जाता है रेजोनेंस स्किल लॉ ऑफ रेन्स में, और इसमें जांगलियो अपना फोर्टे के 5 स्टैक्स कंज्यूम करता है और एयू इलेक्ट्रो डैमेज देता है, जो कि रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज कंसीडर होता है। और जांगलियाओ का रेजोनेंस स्किल डिसाइफर और या तो रेजोनेंस स्किल डाइवर्जेंस यूज करने के जस्ट आफ्टर बाद उसका एक एनिमेशन है उसमें, जिसमें वो हवा में जाता है, और हवा में जाते ही अगर तुम जांगलियाओ का बेसिक अटैक यूज करते हो तो वो एक तरह से मिड एयर अटैक करेगा रिवैम्प। ठीक है, स्टैमिना यूज करके, और ये जो होगा रेजोनेंस लिबरेशन डैमेज काउंट होगा। और जांगलिया के पास 2 टाइप के फोर्टे हैं जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक नॉर्मल फोर्टे है उसके पास और एक जो उसके अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद आता है। ठीक है, तो नॉर्मल वाले से हमें मतलब नहीं है क्योंकि तुम मोस्टली अल्टीमेट फॉर्म में ही रहना चाहोगे उसके, तो वो यूजलेस है। अल्टीमेट फॉर्म में जो फोर्टे है उसके बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस कैपेसिटी, जांगलिया के पास 5 टैक्स होते हैं परफॉर्मेंस कैपेसिटी के, और ये तुम्हें गेन होंगे जब तुम जांगलिया का बेसिक अटैक 1 यूज करोगे तो तुम्हें 1 स्टैक मिल सकता है इसका, और बेसिक अटैक 2 या 3 करोगे तो तुम्हें 2 स्टैक मिल सकते हैं। और जांगलिया का जब रेजोनेंस स्किल डाइवर्जेंस यूज करोगे तो तुम्हें 2 स्टैक मिल सकते हैं इसके, और अगर तुम जांगलिया का मिड एयर अटैक रिवैम्प यूज करते हो तो तुम्हें 3 स्टैक मिल सकते हैं, और जांगलिया का डॉज काउंटर अनफैदम यूज करने से तुम्हें 2 स्टैक मिल सकते हैं इसके। मैं बात करूंगा जांगलिया के आउटर के बारे में। जांगलिया का जो आउटर है वो एक डैमेज देने वाला आउटर है। ठीक है, ये मतलब ऑफ फील्ड डैमेज दे सकता है, और ये इफेक्ट जो रहेगा 8 सेकंड के लिए ये इफेक्ट रहेगा, और जो तुम्हारा इनकमिंग रेजोनेटर होगा जब भी बेसिक अटैक करेगा तो वो 1 हिट ट्रिगर कर सकता है इसका every 2 seconds, और इसके 3 हिट मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लायर है वो 237% का है, तो प्रीटी मच 712% के अराउंड इसका 3 हिट का टोटल मल्टीप्लायर हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। ये बस एक डैमेज देने वाला आउटर है। ओके,
अब मैं बात करूंगा जांगलियाओ के पैसिव्स के बारे में। जांगलियाओ का जो पहला पैसिव है उसमें उसे इलेक्ट्रो डैमेज मिलता है 5% जब भी वो अपना रेजिडेंस के लिए यूज करता है और उसके उसे चार्ज टैक्स मिलते हैं, ठीक है, तो प्रीटी मच 20% इलेक्ट्रो डैमेज मिलता है इसे फॉर फ्री। जांगलियाओ का दूसरा पैसिव जो है उसमें जब भी वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में होता है तो उसका इंटर रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है जो कि उसे हेल्प करता है ताकि वो इजीली स्टैगर ना हो अपने बेसिक अटैक कॉम्बोज या फिर रेजिडेंस स्किल के कॉम्बोज में, ठीक है। टैलेंट प्रायोरिटी फॉर जांगलियाओ, उसके बेसिक अटैक, रेजिडेंस स्किल्स और इंट्रो बिल्कुल भी लेवल अप मत करना। उसका सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लेवल अप करना है तो 40 मैक्स करो पूरा, लेवल 10 कर दो और उसका अल्टीमेट पूरा मैक्स कर दो लेवल 10, ठीक है। और एक और चीज मैं ध्यान में दे दूं तुम्हें, जो इसका डिसाइफर है, अरे डाइवर्जेंस, ठीक है, जो इसका रेजिडेंस स्किल डाइवर्जेंस है जो अल्टीमेट फॉर्म में, उसका कूलडाउन सेपरेट है, ठीक है, उसका 7 सेकंड का कूलडाउन है। और जो उसका फोर्टे का जो एबिलिटी है लॉज ऑफ रेन, रेजिडेंस स्किल लॉज ऑफ रेन, उसका अलग टाइप से कूलडाउन है, ठीक है। तुम एक बैक टू बैक दो स्किल्स यूज कर सकते हो, लॉज ऑफ रेन के जस्ट बाद तुम डाइवर्जेंस यूज कर सकते हो या तो डाइवर्जेंस के जस्ट बाद लॉज ऑफ रेन यूज कर सकते हो क्योंकि वो फोर्टे से टाइड अप है। ऑलराइट, अब मैं बात करूंगा जांगलियाओ के एको सेट्स के बारे में। जांगलियाओ का जो बेस्ट एको सेट होगा वो होगा लिंगरिंग टियो, ठीक है। ये सेट उस पर परफेक्टली काम करता है, ऊपर से वो आउटर स्किल में डैमेज भी देता है तो वो इस बफ को भी यूज कर सकता है अपने, ठीक है। ऑलराइट, और सेकेंड सेट जो होगा इसका बेस्ट स्लॉट वो तुम चाहो तो जा सकते हो वाइट थंडर। हो सकता है काफी लोगों ने कल्चारो बिल्ड कर रखा हो क्योंकि अभी तक सबको समझ आ गया होगा ये कैरेक्टर प्रीटी मच पावर क्रीप करता है कल्चारो को और उसका करियर खत्म करता है। तो अगर तुम्हारे पास कल्चारो ऑलरेडी बिल्ड था तो तुम उस पे से ये सेट उठा के जांगलियाओ को दे सकते हो अगर तुम्हें ये सेट नहीं फार्म करना है तो। बट पर्सनली मैं यही सेट यूज करने वाला हूँ क्योंकि ये जो एको है मैक अबोमिनेशन, ये ऑफ फील्ड प्रॉक हो सकता है। इसमें होता क्या कि तुम अपने एको में कन्वर्ट नहीं होगे और वॉइड थंडर सेट पे क्या कि टेम्पेस्ट मेफिस अगर तुम रख रहे हो तो तुम जब एको उसके लिए यूज करोगे तो तुम उस एको में कन्वर्ट होके फिर डैमेज दोगे, दो हिट का डैमेज होता है टेम्पेस्ट मेफिस का, ठीक है, और वो मुझे पसंद नहीं है। और मैक अबोमिनेशन बाय फार द बेस्ट है, ठीक है। सो मैं लिंगरिंग टियो सेट खुद जा रहा हूँ पर्सनली और मैं तुम्हें भी वही रिकमेंड करूंगा, ओके? और बात करें इसके मेन स्टैट या सब स्टैट्स की, तो मेन स्टैट में तुम 4 कॉस्ट पे जा सकते हो, क्रिट रेट या क्रिट डैमेज अपने अकॉर्डिंग से देख लेना, 3 कॉस्ट में इलेक्ट्रो अटैक, ठीक है। सब स्टैट की बात करें तो सब स्टैट में तुम जा सकते हो क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, रेजिडेंस लिबरेशन डैमेज, एनर्जी रीजन में रिकमेंड करूंगा इसके ऊपर तुम 130 से 40 के बीच में रखो ताकि तुम्हें बैठ के बार बार अल्टीमेट चार्ज ना करनी पड़े और इसकी अल्टीमेट जल्दी आए क्योंकि सारा डैमेज इसका अल्टीमेट में ही है। और लास्ट में तुम चाहो तो बेसिक अटैक या तो रेजिडेंस स्किल ही निकाल सकते हो, बट मेजोरिटी तुम्हें फोकस करना है रेजिडेंस लिबरेशन ER एंड CRCD पे, ठीक है। और क्रिट रेट रिक्वायरमेंट मैं कहूँगा 70 से 80 के बीच में रखो इसको, ठीक है, क्योंकि बेसिक अटैक करेक्टर है और काफ़ी फास्ट अटैक्स हैं तो क्रिट रेट रिक्वायरमेंट इतनी रहेगी, क्रिट डैमेज जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। Alright, अब मैं बात करूंगा जांगलियाओ के वेपन्स के बारे में। जांगलियाओ का जो बेस्ट इन स्लॉट वेपन होगा वो उसका सिग्नेचर वेपन होगा वैराइटीज हैंडल। अगर तुम इसका वेपन नहीं निकालने वाले हो और या तो स्किप करने वाले हो तो तुम स्टैंडर्ड वेपन भी यूज कर सकते हो जो है अबिस सर्जेस भी यूज कर सकते हो, वो उसका सेकंड बेस्ट इन स्लॉट है। और बात करें 4 स्टार में तो 4 स्टार में तुम बीपी वेपन यूज कर सकते हो, अगर तुम बीपी प्लेयर नहीं हो और एक F2 प्लेयर हो तो तुम एक गाचा वेपन हॉल ऑफ मिराज वो यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो समन करो और कोई ऑप्शन नहीं है, 3 स्टार वेपन यूज कर सकते हो चाहो तो, आपको मैं क्या बताऊं, ठीक है। और या तो अगर तुम न्यू प्लेयर हो तो तुम गाउंटलेट ऑफ नाइट्स यूज कर सकते हो, ये भी ठीक है जब तक तुमको इसके लिए हॉलो मिराज या फिर और कोई वेपन ना मिल जाए। अब मैं बात करूंगा जांगलियाओ के सीक्वेंस नोड के बारे में। जांगलियाओ का जो पहला सीक्वेंस नोड है उसमें जब भी वो अपना रेजिडेंस स्किल लॉज ऑफ रेन यूज करेगा तो वो एक तरह से एडिशनल मिसल्स लॉन्च करेगा, 6 मिसल्स जो कि 8% ऑफ हिज स्किल डैमेज मल्टीप्लायर देंगे। प्रीटी मच ये एक तरह से एडिशनल डैमेज है जो कि डैमेज इंक्रीज है एक तरह से, ठीक है। जांगलियाओ का जो दूसरा सीक्वेंस नोड है उसमें जब भी वो अपना स्किल कास्ट करता है या तो अल्टीमेट तो उसका क्रिट डैमेज इंक्रीज होगा बाय 30% फॉर 8 सेकंड्स। इसका जो तीसरा सीक्वेंस नोड है उसमें जांगलियाओ जब भी अपनी अल्टीमेट यूज करता है तो उसके जितने भी टाइप के रेजोनेंस स्किल है डिसाइफर, डिडक्शन, डाइवर्जेंस, लॉज ऑफ रेन, इन सबका वो डैमेज इंक्रीज करता है बाय 63% फॉर 24 सेकंड्स और ये 5 बार ट्रिगर हो सकता है डैमेज बफ, ठीक है, 5 बार। इसका जो सीक्वेंस नोड 4 है उसमें जांगलियाओ जब भी अपनी अल्टीमेट यूज करता है तो वो पूरी टीम का अल्टीमेट डैमेज इंक्रीज करता है बाय 25% फॉर 30 सेकंड्स। और इसका जो सीक्वेंस नोड 5 है उसमें उसके आउटरों का डैमेज इंक्रीज होता है बाय 222% और साथ ही साथ उसकी अल्टीमेट का जो डैमेज है वो भी इंक्रीज होता है बाय 100%। और इसका जो सीक्वेंस नोड 6 है उसमें
जांगलियाओ के अल्टीमेट फॉर्म में जो उसको हाइपर क्यूब्स मिलते हैं वो अब उसके रेजोनेंस के लॉज ऑफ रेन का भी डैमेज इंक्रीज करते हैं बाय 76%। अब मैंने सारे सीक्वेंस नोट्स के बारे में बात कर ली, तो अब मैं बात करूंगा इसके टीम कॉम्पोजिशंस के बारे में। ऑलराइट, जांगलियाओ की जो टीम है वो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफी। जांगलियाओ की जो बेस्ट टीममेट होने वाली है वो है यिलेन और एक सस्टेन, ठीक है। अगर तुम्हारे पास यिलेन नहीं है, और मुझे पता नहीं तुम्हारे पास यिलेन क्यों नहीं है, क्योंकि इस जैसी वाइफ तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास यिलेन नहीं है या तो तुमने फिटी लूज कर दिया और तुम उसे नहीं निकाल पाए, तो तुम जैसे जा सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा फूटी हुई है, तुम्हारे पास जेजी भी नहीं है, तो तुम मोटेफी जा सकते हो, ठीक है। मोटेफी के साथ उतना मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज मोटेफी हैवी अटैक डैमेज बूस्ट करता है। एंड आई डोंट नो कि शायद हैवी अटैक यूज़ भी करता है कि नहीं जांगलियाओ, आई डोंट नो, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन में तुम सैनवा जा सकते हो। सैनवा उतनी अच्छी सीनर्जी नहीं बैठेगी मेरे ख्याल से जांगलियाओ के साथ, बिकॉज जांगलियाओ जैसा करेक्टर जो कि हाइपर कैरी ऑन फील्डर एक डीपीएस है, तो उसे एक ऑफ फील्ड सब डीपीएस की जरूरत पड़ेगी, ना कि एक क्विक शॉप यूनिट की जो उसके साथ ही ना क्विक शॉप, क्योंकि क्विक शॉप है ही नहीं, ठीक है। सो बट सैनवा अपने आउटर से बेसिक अटैक डैमेज बफ करती है, तो शायद काम आ जाए, यू नो, तो ये ट्राई करके देख सकते हो। ओके, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जांगलियाओ को खेलना कैसे है, ठीक है। कहाँ गया मंकी, मंकी वेयर और मंकी कमिंग, वेट फॉर हिम, वेट फॉर हिम। डू दिस यिलेन अल्टीमेट, आउटरो, जस्ट यूज अल्टीमेट, और इसके बाद बस बेसिक अटैक स्पैम करना है तुम्हें, बस और कुछ नहीं करना। बेसिक अटैक स्किल और कुछ नहीं है, यही गेम प्ले इसका, बेसिक अटैक एंड स्किल स्पैम गेम प्ले है, और कुछ नहीं है इसका। दैट्स इट। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया जांगलियाओ के पूरे बिल्ड के बारे में। लेट मी नो इन कमेंट्स कि तुम्हें ये मिला, तुम्हें कैसा लग रहा है इसको खेलने में, अगर तुम्हारे पास यिलेन के साथ खेल रहे हो, बिना यिलेन खेल रहे हो, कमेंट डाउन बिलो। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, मन करे सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।